नमस्कार। संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। उस ऐतिहासिक अवसर की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखते हुए प्रत्येक देशवासी राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर सके, इस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस आयोजित करने की घोषणा की। तब से प्रत्येक वर्ष हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष संविधान दिवस का अवसर अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि पूरा देश संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत के संविधान में जहां एक ओर नागरिकों को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वहीं राष्ट्र के निर्माण में योगदान के लिए अनुच्छेद 51 क में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों को मार्गदर्शन भी किया गया है। संविधान के आदर्शों व सिद्धांतों के अनुरूप देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित भाव से प्रयासरत रहने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में संपूर्ण विश्व के समक्ष देश को प्रस्तुत करने के लिए मूल कर्तव्यों का पालन आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष 26 नवंबर संविधान दिवस से विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ कर रही है, जो दिनांक 14 अप्रैल 2020 को भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यानी समरसता दिवस तक आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के विषय में जन जागरूकता लाई जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे 11 मूल कर्तव्य उल्लिखित हैं। इस वर्ष 26 नवंबर को राजधानी लखनऊ में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आहूत किया गया है। संविधान के उद्देशिका तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के पालन के लिए दिनांक 26 नवंबर 2019 को समस्त शासकीय संस्थानों, थाना, ब्लॉक, तहसील सहित सभी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, स्थानीय नगर निकायों इत्यादि में नागरिकों, कर्मियों एवं छात्र छात्राओं आदि को शपथ दिलाई जाएगी। 26 नवंबर 2019 से 14 अप्रैल 2020 के दौरान विशिष्ट दिवसों तथा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती 3 दिसंबर 2019, स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2020 एवं उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2020 आदि को भी जोड़ते हुए विभिन्न कार्यक्रम संपन्न होंगे। भारत की जनता देश के लोकतंत्र का आधार है। प्रत्येक नागरिक गणतंत्र का निर्माता होने के साथ साथ इसका आधार स्तंभ भी है। प्रत्येक भारतवासी हमारे लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करता है, साथ साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर देश को शक्तिशाली भी बनाता है। राष्ट्र निर्माण एक महाअभियान है, जिसमें प्रत्येक भारतवासी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश की जनता इस पुनीत कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सके, इसके लिए हम सभी को संकल्पबद्ध होना होगा। आइए इस संविधान दिवस के अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों के सपनों के अनुरूप एक विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए हम सभी मूल कर्तव्यों का पालन करने के लिए शपथ लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता के सहयोग, समर्थन एवं सहभागिता से संविधान दिवस से प्रारंभ होने वाले विविध कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। जय हिंद।